चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बोर्ड मास के माध्यम से सरलीकरण के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो पहले हम बोर्ड मास के नियम को समझ लेते हैं। तो शुरुआत में क्या है बी, तो यहाँ बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। तो कोष्टक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। इसको हल करने के बाद हम इस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे और सबसे लास्ट में हम इस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। इसके बाद क्या है यहाँ ओ, तो यहाँ ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। तो का के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो कोष्टक हल करने के बाद हम क्या करेंगे, इस का के चिन्ह के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो इस गुणा के चिन्ह को हल करेंगे। इसके बाद क्या है डी, तो डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भाग। इस गुणा के चिन्ह को हल करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे। और इसके बाद यहाँ क्या है एम, तो यहाँ एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह को हल करेंगे। अगर दोस्तों हमारे दोनों गुणा के चिन्ह आ रहे हैं, का गुणा का चिन्ह भी आ रहा है और इस गुणा का चिन्ह भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम का के गुणा को चिन्ह को हल करेंगे, क्योंकि कोष्टक के बाद हम कौन से चिन्ह को हल करते हैं, गुणा, इस का के गुणा के चिन्ह को हल करते हैं। उसके बाद भाग, उसके बाद इस गुणा के चिन्ह को हल करते हैं। इसके बाद यहाँ क्या है ए, तो ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, जोड़। तो गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है एस, तो एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घटाना। तो सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, घटाने वाले चिन्ह को हल करेंगे। तो शुरुआत में पहले हम किस चिन्ह को हल करेंगे, अगर हमारे ये कोष्टक दिए हैं तो इस कोष्टक को हल कर देंगे, फिर इसके बाद इस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे, और इसके बाद हम इस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। इसके बाद अगर का लगाए का, तो का के स्थान पर हम इस गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और कोष्टक के बाद हम इसी गुणा के चिन्ह को हल करेंगे। इसके बाद भाग को हल करेंगे, भाग के बाद गुणा के चिन्ह को, फिर इसके बाद जोड़, सबसे लास्ट में हम घटाना। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको हल करते हैं बोर्ड मास के नियम की मात। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, 7 × 3 − 4 + 60 भागित 10। तो यहाँ चिन्ह हमारे किस 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 के चिन्ह दिए हैं, गुणा का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह और भाग का चिन्ह है। तो इन सभी चिन्हों में सबसे पहले हम कौन से चिन्ह को हल करेंगे, भाग के चिन्ह को हल करेंगे। उसके बाद हम कौन से चिन्ह को हल करेंगे, गुणा के चिन्ह को। उसके बाद हम प्लस के चिन्ह को, और सबसे लास्ट में करेंगे माइनस के चिन्ह को हल करेंगे। तो पहले जहाँ भाग का चिन्ह दिया है उस संख्या को हल कर लेते हैं। तो यहाँ भाग का चिन्ह दिया है, तो 7 × 3 − 4 + 10 का भाग हम 60 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 6 बार। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इनमें हम कौन से चिन्ह को, उस चिन्ह को हल करेंगे, तो इनमें हम गुणा के चिन्ह को हल करेंगे। तो 7 × हम किससे करेंगे, 3 से, तो 7 × 3 = 21 −4 + 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस में हम प्लस के चिन्ह को हल करेंगे। तो प्लस के 6 और प्लस के 21 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस के 27। और माइनस के 4, तो प्लस के 27 में से हम माइनस के 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 23 बचेगा। तो प्लस का 23 हमारा क्या रहेगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, उसको भी हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 20 − 10 + 2 − 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। तो प्लस और माइनस में पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या को हल करेंगे। तो 20 माइनस कोष्टक में क्या है,
तो 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 माइनस के 3, 20 माइनस, अब हम क्या करेंगे, प्लस के 12 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो प्लस के 9 बचेगा। तो 20 इस माइनस का गुणा हम इस प्लस की संख्या से करेंगे तो माइनस के 9, तो 20 में से हम माइनस के 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 11 बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या बढ़ी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 प्लस 33 भागित कोष्टक में 34 माइनस के 23। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी कोष्टक वाली संख्या है उसको हल करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड वास का नियम कहता है अगर किसी संख्या में कोष्टक लगाया तो सबसे पहले उस कोष्टक वाली संख्या को हल करते हैं। तो पहले इसको हम क्या लिखेंगे, बेस के बेस ही लिख लेंगे, 24 प्लस के 33 और भागित, तो कोष्टक में क्या लगाए, तो प्लस के 34 में से माइनस के 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ चिन्ह किसका, भाग का, तो यह संख्या हमारी क्या निकल गई, 11। अब यहाँ चिन्ह कौन कौन से बचे हैं, प्लस का और भाग का, तो इनमें सबसे पहले हम कौन से चिन्ह को हल करेंगे, भाग के चिन्ह को, तो 11 का भाग हम किस में देंगे, हम 33 में, तो 24 प्लस 11 का भाग हम 33 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, 27 रहेगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 गुणा 1/3 और कोष्टक में लिखा है 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9 पर 12 लगाए। तो अगर कोष्टक से पहले 12 लगाए या कोष्टक लगाए और 12 लगाए, तो सबसे पहले हम 12 वाली संख्या को हल करेंगे, इसके बाद हम कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे। तो पहले हम इसमें क्या है, इस 12 वाली संख्या को हल कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 40 गुणा 1/3 और कोष्टक में लिखा है 15 प्लस 11 माइनस, दोस्तों ये माइनस, यहाँ माइनस के 8 नहीं है, क्योंकि जिस संख्या पर बार लगाता लगा होता है वो संख्या अलग संख्या होती है, तो यहाँ हम 8 प्लस की मानेंगे और 9 भी प्लस की मानेंगे, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17, तो प्लस की 17 और कोष्टक बंद। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चालीस गुणा 1/3 है माइनस और प्लस, तो सबसे पहले हम माइनस के प्लस के चिन्ह को हल करेंगे, तो 15 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 माइनस के 17, 40 गुणा 1/3 26 में से हम माइनस के 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 9 बचेगा, प्लस का 9 बच रहा है क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और कोष्टक को लेंगे तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और इस 3 का गुणा हम किससे करेंगे, 40 से, तो कितना आएगा, 120। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, 120 रहेगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 600 भागित 12 गुणा 1/5 भागित 5 बराबर एक्स, तो हमें एक्स का मान निकालना है, ये हमारे ऑप्शन है, तो इसमें से हमें ऑप्शन बताना है कौन सा आंसर हमारा सही है। तो ये हमारी संख्या है 600। अब हम क्या करें, इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में चेंज करेंगे, तो गुणा में चेंज करेंगे तो जो संख्या क्या लगी है, 12 है, तो पलट जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/12, इसके बाद क्या, 1/5, यहाँ क्या है, भाग का चिन्ह, इस भाग के चिन्ह को भी हम गुणा में चेंज करेंगे, तो यहाँ संख्या क्या है, 5, तो इसको पलट देंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5 बराबर के एक्स, ऊपर कितना आएगा, 600 बट्टे में 12 × 60, 60 गुणा हम किससे करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 300 बराबर एक्स, 300 का भाग हम 600 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार,
तो एक्स बराबर कितना आएगा, दो। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, दो आंसर सही रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। तो अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।